नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि देवी माँ किस प्रकार से प्रसन्न हो सकती है और आपको लक्ष्मी की कमी कैसे दूर हो सकती है। मतलब आपको जो है जो घर में पैसों की दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, तो ये कैसे दूर हो सकती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। नई दिल्ली, वैसे तो हर दिन भगवान का होता है, हर एक दिन का अपना विशेष महत्व है। भगवान विष्णु का गुरुवार महत्व का दिन है, तो उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी का शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। शुक्रवार को अलग अलग तरीकों से माँ लक्ष्मी को भक्त प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की विद्युत पूजा से जीवन में धन की कमी दूर हो जाती है। इससे घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का आगमन होता है, क्योंकि जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वो उनके सारे कष्ट दूर हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी बताया गया है। यही कारण है कि भक्त जान बूझ कर पूजा अर्चना करने, माँ भगवती को प्रसन्न करने और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे मंत्रों का जाप किया करते हैं। आज शुक्रवार के दिन में हम आप माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए उनके प्रभावी मंत्र के बारे में बता रहे हैं। लक्ष्मी प्रार्थना मंत्र। जब आप लक्ष्मी प्रार्थना मंत्र जब आप करते हैं, तो इसमें आपको जो है लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में होता है। यहाँ पे आपको लक्ष्मी प्रार्थना मंत्र के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का भी उच्चारण करना होगा। जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये मंत्र आपको जाप करने होंगे, और इस मंत्र को जाप करने के बाद जो है आपको लगेगी। अगर शुक्रवार के दिन उपयुक्त मंत्र से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाए, तो जीवन में हमेशा ही माँ की कृपा हम पर बरसेगी। माँ लक्ष्मी जल्दी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, ऐसे में इन मंत्र जाप से जीवन में खुशहाली, धन, वैभव और समृद्धि और का आगमन होता है। अगर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में चाहते हैं, तो हर रोज पूजा अर्चना के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बता दें कि इस मंत्र के जाप से जीवन में धन की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही इन मंत्रों को जपने से जीवन में धन की कमी भी दूर होती है।